Active Directory Domain Service. Everyone, I hope you all of you are aware about the importance of server operating system. Or server operating system में जो ADG service है, which is really important for every IT professional. क्योंकि ये एक ऐसी technology है, we can say that it's a type of evergreen technology. Means कहीं पे भी recession आ सकता है, किसी भी profile पे recession आ सकता है, but server operating system या फिर Active Directory एक ऐसी service या profile है जिसकी डिमांड लगभग हमेशा से रही है और आने वाले टाइम पे भी इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी. राइट, सो एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज या एक्टिव डायरेक्टरी पे अपनी पकड़ बनाने के लिए, यू कैन से दैट, या अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, आई एम गोइंग टू शेयर यू फ्यू इन्फॉर्मेशन जो कि हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मैंडेटरी होती है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडी यूजर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एंड कंप्यूटर के बारे में. ये चार इंपॉर्टेंट कुछ कंटेनर हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं, इनके बारे में हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं. आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्रैक्टिकल एज वेल, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड या एडी के यूजर या ग्रुप या ओयू से रिलेटेड वो थोड़ा सा इंक्रीज कर सके. मूव करते हैं अपने सेटअप पे, बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, रेंडमली आपको वीडियो आ गई टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल की, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. तो डेफिनेटली हमारे पास जितना कंटेंट है वो सभी कंटेंट, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं या जो आने वाले टाइम पे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाले हैं रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल. सो डू सब्सक्राइब, क्योंकि एज पर द एनालिटिक ऑफ माई यूट्यूब चैनल हमारे 65% जो व्यूअर है ना वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को. अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर इन्हें शो करूं तो 65% जस्ट वीडियो देखा, हाँ ठीक है, ओके देन. अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली इट विल मोटिवेट मी और इनक्रेज मी, तो डेफिनेटली वीडियो ज़्यादा बनाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे और हम अपनी प्रिपरेशन खुद करेंगे कि आपको बेटर से बेटर वीडियो प्रोवाइड करें. चलिए ठीक है, ये था मार्केटिंग का पार्ट. अब आते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पे. एजेंडा क्लियर है, डोमेन सेटअप है, क्लाइंट भी रेडी है. पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इन तीनों के बारे में, इन चारों के बारे में जो हमने आपको एजेंडा बताया. मीन्स आज का जो एजेंडा है हमारा, अब बोल सकते हैं एजेंडा ऑफ द डे. ठीक है, या एजेंडा ऑफ दिस वीडियो. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये तो क्लियर हो गया कि हम एडी के बारे में बात करने वाले हैं. मतलब अपने पास कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमने सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर रखा है, चाहे वो 19 हो, चाहे 16 हो, या फिर चाहे 2022 हो. इसमें मैंने एक डोमेन इंस्टॉल किया है विद नेम ऑफ cloud.com. ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी जिसको हम बोलते हैं ADDS रोल के ज़रिए हमने इसमें cloud.com का डोमेन बना रखा है. अब जब आप cloud.com या फिर कोई भी डोमेन क्रिएट करते हैं ना, तो इट विल प्रोवाइड यू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. जैसे यूजर्स आपको दिखाई पड़ जाएगा, मतलब एक फोल्डर दिखेगा जहाँ पे आप यूजर्स तैयार करेंगे, एक फोल्डर दिखेगा जिसमें आप ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, और एक फोल्डर रहता है अपने पास कंप्यूटर का. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो एक है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. चार कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं. एडी के बैकबोन माने जाते हैं ये कंपोनेंट, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करने हैं इन सभी कंपोनेंट के जरिए आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, क्या क्या टास्क होता है वो हम देख लेते हैं. पहले जब आप एडी इंस्टॉल करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे. आई एम नॉट सेइंग ओनली क्लाइंट, और भी डिवाइसेस हो सकती है, जैसे कि प्रिंटर आपके इन्वायरमेंट में होगा, सीसीटीवी कैमरा का DVR हो सकता है. ठीक है, या फिर बायोमेट्रिक डिवाइस मैंडेटरी है आज की डेट में, या आपका बायोमेट्रिक डिवाइस हो गई. ठीक है, सो नॉट ओनली द क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं, ठीक है, विंडोज 10 रहेगा तभी काम होगा एडी का, या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तभी आप एडी का इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं. नो, एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसी सर्विस डिजाइन की है माइक्रोसॉफ्ट ने जो आपके रिसोर्सेज को, ठीक है ना, उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि आप क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हो या प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई अदर डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हो. इवन ESXi को भी कंट्रोल करता है आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस. मीन्स अगर आपने इन्वायरमेंट के अंदर VMware का ESXi भी इंस्टॉल कर रखा है ना,
या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है तो उस केस में भी आपको एडी आपकी मदद करेगा इन सभी चीजों को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। स्टार्टिंग करते हैं यूजर से। तो यूजर एज पर द नेम सजेस्ट, अगर हम बात करें बिल्कुल बेस से ना, तो यूजर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी सिस्टम में, स्पेशली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, दो तरीके के यूजर आपको मिल जाते हैं। एक यूजर रहता है जिसको हम लोकल यूजर बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा आप यूजर बनाते हैं जिसको हम एडी यूजर के नाम से, एडी यूजर के नाम से हाँ हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लोकल यूजर क्या करता है? लोकल यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप जिस मशीन पे लॉगिन किया है, जैसे आपने कोई हार्डवेयर इस्तेमाल किया होगा जिस पे अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है, तो लोकल यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? उस पर्टिकुलर मशीन को लॉगिन करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। अपने लिए, जो उस पर्टिकुलर मशीन के लिए आप यूजर क्रिएट करते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट्स में जाकर के या कमांड एग्जीक्यूट करके, वो सभी यूजर आपके कहलाते हैं लोकल यूजर। एग्जाम्पल के लिए बिल्ट इन यूजर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आपका लोकल यूजर कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एडी यूजर का रोल क्या है? तो एडी यूजर, आई नो आपको भी पता है लेकिन थोड़ा सा हम बेस से ही स्टार्ट करें, तो डेफिनेटली जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। एडी यूजर क्या करता है कि आपने बताया ए बी सी नाम का यूजर, या एक्स वाई जी के नाम का यूजर, या टेस्ट नाम का यूजर, ठीक है, ये आपने दो तीन यूजर क्रिएट किए। अब इन यूजर्स को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? इन यूजर्स को आप अपने बेस मशीन पे नहीं लॉग इन करेंगे, मतलब जहां पे आपने क्रिएट किया है उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। अप्लीकेबल इन द सेंस आप लॉग इन नहीं कर पाओगे जब तक परमिशन या सर्विस अकाउंट नहीं बनाएंगे। आप इन ए बी सी का इस्तेमाल करेंगे अपने क्लाइंट मशीन को लॉग इन करने के लिए। टेस्ट यूजर हो गया, प्रिंटर हो गया उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको लॉग इन करने के लिए आप इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? जब आप एडी के यूजर से किसी मशीन को लॉग इन करते हैं तो हार्डवेयर उस बंदे का हो सकता है, हार्डवेयर उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पर कंट्रोल हो सकता है कि हार्ड डिस्क निकाल दिया, कीबोर्ड निकाल दिया, माउस निकाल दिया, लेकिन उस मशीन के अंदर दिखने वाला एक्सप्लोरर, उस मशीन के अंदर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से आपके डोमेन के कंट्रोल में आ जाता है। डेफिनेटली जब आप एडीसी यूजर क्रिएट करके किसी क्लाइंट पे लॉगिन करते हैं ना, तो वो एडी डिसाइड करेगा कि इस मशीन को किस तरीके से हैंडल करना है, कंट्रोल पैनल ओपन होने देना है या नहीं, रिसाइकल बिन के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर रिसाइकल बिन का आइकॉन आए या ना आए, वो सारी चीजें, उस मशीन पे वॉलपेपर कौन सा सेट होना चाहिए, वो भी आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो मेरे क्लियर हो गया होगा ये डाउट। एडी यूजर के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि व्हाट इज एडी यूजर, तो आप बहुत ही सिंपल वे में रिप्लाई करेंगे इंटरव्यूअर को। इन अवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव अ टू डिफरेंट वे टू क्रिएट अ यूजर, वन इज लोकल यूजर एंड अनदर इज एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। लोकल यूजर इज अप्लीकेबल टू लॉग इन आवर बेस मशीन, जो जिस सिस्टम पे अपने सर्वर इंस्टॉल किया है उसको लॉग इन करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एडी यूजर का इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल अवर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारे क्लाइंट मशीन है उनको लॉग इन कराने के लिए हम एडी यूजर का इस्तेमाल करते हैं। अगला, अब बात करते हैं ग्रुप, प्रैक्टिकल पे भी चलेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। ये हो गई यूजर्स की बात। अब अगर हम ग्रुप की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट, नाम से लग रहा है ग्रुप का मतलब होता है कि हाँ एटलीस्ट इसमें एक से ज्यादा कुछ चीजें होंगी। तो बेसिकली ग्रुप क्या करता है, एडी का ग्रुप क्या करता है ना, एडी ग्रुप रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन मल्टीपल यूजर्स। एडी ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि एबीसी यूजर जो आपने बनाया है, एक्स वाई जी यूजर जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है ना, और या फिर आपने टेस्ट यूजर जो क्रिएट किया, थाउजेंड्स ऑफ यूजर आपके पास है, जितने भी यूजर्स आपने क्रिएट कर रखे हैं इन सभी यूजर्स को ये क्या करेगा, अपने पास रखेगा, स्टोर करेगा। फायदा क्या होगा, आपको इसके ऊपर पॉलिसी लगानी है, ठीक है, इन सभी यूजर के ऊपर आपको इनको डेलीगेट करना है, ठीक है, आपको इनके ऊपर परमिशन लगानी है। अगर आपके पास एक दो यूजर हैं तो इंडिविजुअल यूजर को सेलेक्ट करके परमिशन या यूजर के ऊपर डेलीगेट किया जा सकता है। बट थिंक अबाउट इफ यू हैव अ मल्टीपल यूजर्स, मोर देन 100 यूजर, मोर देन 500 यूजर, तो एक एक यूजर में आई डोंट थिंक ये फिजिबल पड़ेगा कि हर एक यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाके आप परमिशन या पॉलिसी लगा रहे हैं। उन यूजर को रखो ग्रुप में, ग्रुप के ऊपर अपनी
पॉलिसी लगाओ, अपना परमिशन लगाओ, जो भी आप चाहते हैं। अगर आपने ग्रुप पे लगा दिया तो इनडायरेक्टली जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, उन सभी के ऊपर सेम परमिशन जो है एप्लीकेबल हो जाएगी, तो थोड़ा सा काम टास्क बच गया। अब नया यूजर आता है, उसको सेम परमिशन देनी है, तो यूजर को उठा करके उस ग्रुप में ऐड कर दिया। जितनी भी परमिशन एडी के पास पहले से थी, इस यूजर के पास पहले से थी, इस ग्रुप के पास पहले से थी, वो सभी परमिशन आपके नए वाले यूजर के ऊपर ऑटोमेटिक अप्लीकेबल हो जाएगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर्स एज पर द नेम सजेस्ट, जब आपने यहाँ पे, ध्यान से समझना है इसको, जब आपने यहाँ पे क्लाइंट मशीन को, मीन्स जो विंडोज 10 या 11 है, जब आपने इसको वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस कंप्यूटर का कुछ ना कुछ नेम होगा, इसकी कुछ आई पी एड्रेस होगी। जो कंप्यूटर नेम है, मान लीजिए दिस पी सी, इस कंप्यूटर का नाम है दिस पी सी, ठीक है। जब आप इस कंप्यूटर को वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जो फोल्डर है कंप्यूटर का, इसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर देगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा? कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक सिंगल क्लिक पे मिल जाएगी। क्लियर, तो आसान है ना कि कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपसे जुड़े हुए हैं। आपने किसी क्लाइंट से किसी मशीन को देखना नहीं कि आप किसका, ये मशीन किसका मेंबर है। आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर के फोल्डर को ओपन करिए जो ईडी के पार्ट है, और वहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा चीज़ें। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की, ओयू की बात कर ले। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है ना, ये कंटेनर कहलाता है, ठीक है ना। ओयू को हम क्या बोलते हैं? ओयू को हम बोलते हैं कंटेनर। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इज अ कंटेनर, टाइप ऑफ कंटेनर। अब कंटेनर के बहुत सारे टास्क हो सकते हैं, ठीक है, कंटेनर के बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। आप डायरेक्टली एडी पे इंस्टॉल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट एडी में पंगा क्या है, अगर आप एडी पे लगा देते हैं, मान लीजिए आपने cloud.com क्रिएट किया, ठीक है, ये हमारा डोमेन है, और डोमेन पे आपने कोई पॉलिसी लगा दी, मान लीजिए आपने एक पॉलिसी लगा दी ब्लॉक कंट्रोल पैनल एक्सेस, ब्लॉक एक्सेस ऑफ कंट्रोल पैनल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एडी के अंदर जितने यूजर ओयू है ना, सबके ऊपर पॉलिसी लग जाएगी। हम चाहते हैं इंडिविजुअल यूजर के ऊपर पॉलिसी लगाना, तो आप ओयू बनाओ, ओयू के अंदर जिस भी यूजर को पॉलिसी देना चाहते हैं, मान लीजिए एबीसी को हम देना चाहते हैं पॉलिसी, एबीसी को इसके अंदर इंसर्ट करो, और उसके बाद ये जो पॉलिसी आपने डोमेन पे लगाई थी, इस पॉलिसी को आप इससे अटैच कर दीजिए। तो इस पॉलिसी का इंपैक्ट सिर्फ एबीसी पे पड़ेगा, बाकी बंदे जो हैं फ्री रहेंगे, एक्स वाई जी के ऊपर कोई हेडेक नहीं, टेस्ट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर इन फ्रंट ऑफ मल्टीपल आईटी पीपल आपको स्पीच देनी है, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई होना चाहिए, और वो हाई कब होगा, जब आपके पास बल्क में नॉलेज होगी, ठीक है ना। तो चलिए मूव करते हैं, बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है इसमें। ओके, अभी हम आ गए हैं सर्वर मैनेजर विजार्ड पे। गो टू द एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स, यहाँ पे हम यूजर्स के पैनल पे जाएंगे। Azure, AWS और GCP, मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल। इन यूजर की हेल्प से आप अपने विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। एज यू नो वेरी वेल अबाउट, आपको सिंपल सा कोई भी एक यूजर सेलेक्ट किया यहाँ पे Azure के नाम से, और इसको हम लॉगिन कराने के लिए प्रोसीड कर देंगे। मे बी कनेक्शन इशू होगा, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू लॉग इन। सी एज इट इज, इसी पैनल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा। न्यू पे जाएंगे और न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद ग्रुप ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। दिस इज द ग्रुप पैनल। इस ग्रुप पे जा करके जो भी नाम प्रोवाइड करेंगे, लाइक टेस्ट के नाम से हमने ग्रुप बनाया, डोमेन लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल, तीन तरीके के स्कोप्स हैं आपको अपने ग्रुप को क्रिएट करने के लिए। एज इट इज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की बात करें तो राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे, न्यू पे जाएंगे और ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का ऑप्शन मिल जाएगा। वेट, राइट क्लिक ऑन योर एडी, क्लिक न्यू और यहाँ पे आप जा मिल जाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। एज अ कंटेनर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली एजेंडा ये था, हमें इन चारों के बारे में डिस्कस करना था और प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखना था। अगली वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड योर ऑन यूट्यूब चैनल। बाय बाय गाइज़।